बदला जरूर लिया है, लेकिन एक बात कहूंगा, लास्ट मैच भी आखिरी ओवर तक किया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक एक बॉल पे एक रन चाहिए था। अल्लाह का करम है, हम मैच जीत गए। इंशाल्लाह मुझे लगता है आगे जाके फाइनल में भी हमारा इंशाल्लाह मजबूत टकराव होगा। मैम, आप जिस स्टैंड में बैठे हुए थे वहां से तो इंडियंस के तो चेहरे उतर गए। आपको लगता है कि हार बर्दाश्त करनी चाहिए? आप क्या मैसेज देंगे इंडियन फैंस को? दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन द बेटर टीम वन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा मुल्क जीता है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए थे। हूएवर इज द बेटर टीम विंस। तो आज फैंस को क्या मैसेज देंगी? इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, सो यू नो यू वांट टू बी दिल पे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, चलो थैंक यू, थैंक यू। सर जी, क्या कहेंगे मैच के बारे में? आपने खुद देखा कैसा जबरदस्त मैच था और पाकिस्तान ने बदला ले लिया पिछले मैच का। हम लोग वेट कर रहे थे, पिछले मैच में भी आए थे सारे हमारे इंडियंस फैन वगैरह जितने भी थे सब आए, और हमने इस दफ़ा जो है बहुत इंजॉय किया और हम एक्सपेक्ट करेंगे फाइनल में फिर इंडिया के साथ। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान ने जो आज जीत हासिल की है, कितनी बड़ी जीत थी? इट वाज अ बिग 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 विन एंड इंशाल्लाह विल रीच टू द फाइनल्स एंड विल विन। आपकी पाकिस्तान के आज मैच जीतने पे? बहुत खुश हुए हैं। जब पिछली दफ़ा हार गए थे थोड़ा था, नाउमीद हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जीते हैं तो बहुत खुशी है, बहुत मज़ा आया। हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये बदला लिया है? आप बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। मज़ा आया, हम तो यही चाहते थे कि ये बराबर होना चाहिए। कैसे आए हैं तो आप क्या कहेंगे मैम? पहली बार स्टेडियम में मैंने मैच देखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुई है। पाकिस्तान बहुत अच्छे थे, पूरी टीम और नहीं, पहले डरते नहीं देखते थे कि हार जाएगा तो दुख होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश हुई है। और मैच के दौरान इतनी मन्नतें हैं और दुआएं मांगी हैं कि भाई आज पहली दफा स्टेडियम में आई हूँ तो पाकिस्तान मैच जीत जाए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई, आपको क्या लगता है कि टीम पाकिस्तान की जीत में इंडियन का कितना कसूर है? नहीं, इसके नहीं, कैचेस का देखे, कैचेस प्रेशर, हाई प्रेशर मैचेस में कैचेस छूट ही जाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, पाकिस्तान की तरफ से भी हो जाता है। इसमें जो डिसीजन था बाबर आजम का, जो कि मोहम्मद नवाज़ को वो ऊपर लेके आए और रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और आखिर में आके आसिफ अली ने इसको फिनिश किया, तो इस ये पॉइंट था। अगर ये कैच ना भी छूटता तो कोई दूसरा और अच्छा कर देता, इसका कोई इशू नहीं है। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अपनी स्टंट अच्छी जा रही है, बाबर आजम के बगैर भी ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान ने ये मैच जीता, वरना तो बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम अधूरी रहती है। थैंक यू।